गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोद्ग्राम भवम श्यामं तनुम सुशोभम विभंग्रम रूपम कलवेणुवक्त्रम श्री श्रील राधारमणं नमामि। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्ते स्वभिज्ञसुराट्तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृधां यतविनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिगांस्यापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं नहार्त्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न्यौमीड्यते अब्रभपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्ग्रजाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातातमजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधीष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनं। क्षणं हसति रोदति क्षणमत क्षणं मूर्च्छति क्षणं लूठति धावति क्षणमत क्षणं नृत्यति क्षणं स्वसिति मुञ्चति क्षणमुदारहाहारवं महाप्रणयलीलया विहरति है गौरो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रस मोहन रस ललित श्री धर्मण देव की असीम कृपा सु हम सभी भक्त श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की इस प्रेम रस गंगा का अवगाहन स्नान करने हेतु इस स्लाव हिंदू मंदिर के दिव्य प्रांगण में समुपस्थित हुए हैं। आज कथा का षष्ठम दिन है। कथा कुंती स्तुति पर चल रही है और जिस श्लोक की आलोचना चल रही है वह है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे अनेक महारतास्त्रतो
द्रोण्यस्त्रतश्च चास्म हरे विरक्षिता। कुंती गिना रही हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आपने मेरी एवं मेरे पुत्रों की रक्षा कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे करी। विगत कुछ दिवसों से हम सुनते हुए चल रहे हैं, विशान महाअग्ने पुरुषाद दर्शनात्, जो तीन जिसमें ठाकुर जी ने अदृश्य रूप से कुंती की रक्षा करी। उसके बाद कुंती कहती हैं कि आपने वस्त्रावतार लेकर असत सभाया, इसमें आपने द्रौपदी की रक्षा करी। कल कथा चल रही थी जिसमें चर्चा आई थी कि पांडव अपना सब कुछ हार गए, परंतु धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा कि तू तीन वर मांग। द्रौपदी ने दो वर मांगे और जितनी वस्तुओं को हारा था वह सबको वापस ले लिया, और वापस लेकर वह इंद्रप्रस्थ की तरफ अपने पतियों के संग चल दी। जब गई यहां महाराज, दुर्योधन ने फिर से मंत्रणा करी और मंत्रणा करने के बाद धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र को प्रेम से बहुत धत्कारा, और धत्कारने के बाद कहने लगे कि अर्जुन जैसा वीर इस धरा धरती पर नहीं हुआ है। एते चान्ये च वह वह परिवार्य महीपते एकम पार्थम रणे यक्ता प्रतियोद्धम न शंक शक्नुयुः। बोले अगर बहुत से शूरवीर युद्ध भूमि में अकेले अर्जुन को चारों तरफ से घेर कर भी पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं, उसके बाद भी वह अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं। बोले हे पिता, हे कुरुश्रेष्ठ, अहम ही नित्यम कौरव्य फाल्गुम प्रति सत्तमम। बोले महाराज, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करता रहता हूँ, और चिंतन करते हुए मुझे भय व्याप्त हो चुका है कि आगे चल के ये जो पांडव वंश है, यह पांडवों के पुत्र किसी ना किसी दिन हम सबको मार देंगे। आप कुछ कृपा करो, आप मान जाओ मेरी बात, क्योंकि ग्रहे ग्रहे च पश्यामि तात पार्थमहं सदा शरकांडीव संयुक्तम पाश हस्त भी वांतकम। बोले पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीवधारी अर्जुन ही दिखाई देते हैं, जिन गांडीव पे जिन्होंने अपना बाण लगा रखा है। मैं कहीं जाता हूँ, कहीं रहता हूँ, किसी स्थिति में रहता हूँ, परंतु मुझे तो वही हर जगह पर डर लगा रहता है, वही काल की तरह से हर जगह मुझे अर्जुन ही नजर आता रहता है। मैं सो भी नहीं पाता, मैं सोने की चेष्टा करता हूं तो स्वप्न में अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन आकर वहां पर भी मुझे डरा देता है। मैं सोते सोते बचाओ बचाओ करता हुआ उठ के खड़ा हो जाता हूं। बोले ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, ना स्वप्न भी अगर देखने की चेष्टा करता हूं कि अच्छा स्वप्न हो तो अर्जुन वहां भी है। पूरा यह नगर हस्तिनापुर जो है, यह मुझे उस अर्जुन की भांति नजर आता है कि इस पूरे हस्तिनापुर जैसे। ये कंस की भी यही स्थिति थी, कंस को पूरी मथुरा नगरी कृष्ण में नजर आती थी,
देखो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना कठिन नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना है तो कठिन नहीं है। नारद देव ने सप्तम स्कंद के में इस बात की चर्चा करी है कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण की प्राप्ति ईर्ष्या से करी। कंस भ्यादा, महाराज कंस ने श्री कृष्ण की प्राप्ति भय से करी। भय लगा रहता था कंस को कि कृष्ण वह कब आ रहा है और इस किस रूप में आएगा। हर बालक में, हर काली चीज में उसे कृष्ण के दर्शन होते थे। वे महाराज हमारे यहाँ के तो ब्रजवासी कहवे कि कंस ने तो अपने यहाँ जितने भी लोग रखे भाई उनको मुंडन कराए दियो हो। बोले काले काले बाल दिख जाते तो भाई कन्हैया ही नजर आए। तो हर जगह पर तो भय से भी हो सकती है कृष्ण की प्राप्ति, ईर्ष्या से भी हो सकती है, द्वेष करके भी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। परंतु सबसे बड़ी प्राप्ति तो कही है गोपियों का काम, गोपियों का प्रेम। भगवान से तुम गुस्सा करते हो कोई बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से, अरे ये जो उस समय 500 साल पहले मुसलमानों का बड़ा आतंक हमारे भारतवर्ष में हुआ करता था, भगवत भक्ति नहीं करने देते थे, तो महाप्रभु एक दिन नामनिष्ठ महात्मा हरिदास ठाकुर के पास गए और जाके उनसे पूछा, ये मुसलमानों के ऊपर कैसे कृपा होगी? हे हरिदास, ये तो सब कुछ गलत करते हैं, इनके ऊपर कैसे कृपा होगी? बोले भगवान का नाम तो सबसे बड़ा है। बोले भगवान का नाम तो बहुत बड़ा है, पर ये भगवान का नाम थोड़ी ना लेते हैं। बोले नहीं, मुसलमानों के अंदर भी एक जगह भगवान का नाम आता है। महाप्रभु ने पूछा, बता कहाँ आता है? बोले जिस जो वस्तु कुरान के अंदर नहीं दे रखी है वो उनके लिए हराम है, हराम में भी राम आ जाता है, वो हराम हराम कहते हैं, नामाभास की प्राप्ति से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हराम हराम हराम। महाप्रभु ने कहा शास्त्र सम्मत बात है कि नहीं? हरिदास स्वामी बोले बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है, वराह पुराण के अंदर कथा आती है। एक पापी दुराचारी था, जीवन में कभी भगवत नाम नहीं लिया था। एक बार शौच के लिए सुबह सुबह उठा, जंगल में गया, एक जंगली सुअर आया और जंगली सुअर ने आके पीछे से बहुत तेजी से मारा, उछल के महाराज पत्थर पे उसका सिर लगा। उसने उठने की चेष्टा करी, सामने वह सुअर था, सुअर को देखा, बोला हराम खोर ने मार दिया। बस उसमें भी हराम था। महाराज जैसे ही बोला तभी उसी समय ठाकुर जी के दूत आ गए और उसे वैकुंठ ले गए। अब ऐसे मत करियो सबन ने गाली देना शुरू कर दो। वराह पुराण के अंदर कथा है। तो भगवान का नाम भी, नाम क्या, नामाभास भी। अजामिल के पास तो नामाभास था नारायण नाम का। घर के अंदर अपनी स्त्री को नाम लेके मत पुकारो। शास्त्र तो कहता है स्त्री को कभी नाम नहीं लेने, हाँ लेके नहीं पुकारना चाहिए। हमारे यहां तो पुत्रों का जो नाम होगा उसकी माँ करके बुलाया जाता था। आज भी गांव में जाओ, कहीं चले जाओ, जैसे गोपीनाथ जी अब आगे से बुलाएंगे वो क्या कहेंगे, और नलिन की माँ।
हाँ मेरे बच्चों की माँ भी हो सके। अगर वो नहीं आता तो अरी 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 बोलोगे, क्या पता किस दिन हरी 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 निकलना शुरू हो जाए। एक साधु थे, एक सेठ जी थे, वेश्या में प्रवृत्ति हो गई। घर के अंदर नाती का ब्याह था, इतने बुढ़े हो चुके थे, परंतु लोक समाज के भय के कारण वेश्या को नहीं बुलाया। शादी में हर कोई था, परंतु बुजुर्ग सेठ जी को तो याद वेश्या की आ रही है, मेरे घर पे शादी है, शादी के लड्डू उसके पास नहीं गए हैं। महाराज डलिया मंगवाई, डलिया के अंदर बहुत सारी मिठाइयां ली, पत्तल वत्तल से ढकी, पतली गली से छुपते छुपाते, सीधे रास्ते से नहीं, घूमते घामते सब रास्तों से गए, कोई देख ना ले, पूछ ना ले, सेठ जी तुम्हारे घर पे तो शादी चल रही है, तुम यहां क्या कर रहे हो। भागते भागते गए कि भाई इस शादी में तो सम्मिलित होना ही है, सबके सब रिश्तेदार घर पर हैं, सब जितने भी गेस्ट हैं वह सब आए हुए हैं। भागते भागते पहुंचे, लंबा रास्ता तय करा था, जैसे ही उसके घर पे पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहती थी, नीचे से आवाज लगाने लगे, अरे सुनियो, अरे नीचे आइयो, अरे अरे कर रहे, बुढ़े जरूर है, भागे भी बहुत जोरदारी से, सांस फूलने लगी और राधे राधे हो गई। अब ये देखो ठाकुर की भक्त वत्सलता, भक्त था नहीं, परंतु अरी में भी हरि का नामाभास आ गया, देवदूत आ गए और उसे वैकुंठ ले गए। ये करुणा में भगवान है। यहां चाहे दुर्योधन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे शिशुपाल हो, सबको भगवान की प्राप्ति हुई है। तभी हमारे आचार्यों ने कहा, तुम्हें असुरों वाली भगवान की प्राप्ति करनी है कि भक्तों वाले भगवान की प्राप्ति करनी है। सब असुरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, कोई भक्ति करके थोड़ी ना हुआ, ब्रह्म में लीन हो गए। पर गोपियां आज भी नित्य धाम वृंदावन में लीलाएं, नित्य लीलाएं कर रही हैं। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें ब्रह्म में लीन होना है, भगवान से द्वेष करना शुरू कर दो, भक्ति भी मत करो, तो तुम्हें महाराज तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा मरते मरते बनारस आदि किसी भी तीर्थ में चले जाओ, बाबा विश्वनाथ आके तुम्हारे कान में 3 बार राम 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 बोलेंगे, मोक्ष वही दिला देंगे, तुम्हें कछु ना करने की जरूरत, क्या फ्री में मिले मोक्ष हमारे यहाँ। लोग घरों में बैठ जाए, एक हमारे यहाँ की भक्ता ही, जब तक उन्हें वृंदावन की पूर्ण रूप से भक्ति नहीं थी, सब प्रकार के गुरु आते थे, तो वो बताती हैं कि एक गुरु पे उन्हें विश्वास हुआ तो वह स्मरण करा करती थी। हाँ तो गुरु जी ने उन्हें ध्यान बताया, परंतु घर में बच्चे बच्चे सब थे तो ध्यान कहाँ करें, कबट के अंदर घुस के करा करती थी, कोई परेशान ना करे, किसी की आवाज आए जाए नहीं, कोई ढूंढ ना पाए, कबट में घुस जाती थी। आज वह वृंदावन की भक्ति कर रही है। किसी से छुपने की जरूरत कहां है? भक्त कैसा हो महाराज,
भक्त के बारे में बताया हुआ है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति भकानी। प्रथम स्टेप भक्त का, प्रथम सुने भागवत, किससे सुने? भक्त मुख, जो कृष्णार्थी वक्ता है, धनार्थी नहीं, कृष्णार्थी वक्ता जो है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि वही जो होगा भगवान की जो वाणी है भागवत है उसको कहेगा। दूसरा स्टेप, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति भकानी, जो व्यास देव ने नौ प्रकार की भक्ति बता रखी है उसको उसी से ही भक्ति सीख कर, उन भक्तियों को सीख कर आराधना करने का दृढ़ निश्चय कर ले। दृढ़ निश्चय करने के बाद बहुत सारे लोग यहां पे अटक जाते हैं, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, उसके बाद गुरु को धारण करे। गुरु कैसा हो? दक्ष, जानने वाला, हाँ, शास्त्रों में बिल्कुल दक्षता प्राप्त हो, दक्ष सर्वज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला हो और भगवान को जानने वाला हो, जिसने भगवान को प्राप्त कर रखा हो। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी, रसीलो, सबसे ज्यादा जरूरी है रसीलो, जो रस का ज्ञाता हो। कई दिनों से चर्चा चल रही है ना रस के ऊपर, कभी ठाकुर जी को बच्चा बना दो, कभी भैया बना दो, कभी बाप बना लो, कभी अपनो पति बना लो, ये रसाभास कहलाता है। एक बनाओ, जितने हैं सबने एक बनाया, दास में दास का भाव होता है, सख्य में सख्य का भाव और दास का भाव होता है, वात्सल्य में दास का भाव, सख्य का भाव और वात्सल्य का भाव, तीनों होते हैं। माँ जो है ना सेवा करती है बच्चे की, तो दास का भाव, वही बच्चे की कभी कभी सखा बन जाती है, मित्र की तरह से मानती है, वहां पर सख्य का भाव, और वात्सल्य माँ का हमेशा रहता ही है पुत्र में। माधुर्य के अंदर दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और माधुर्य भी है। प्रिया प्रीतम, ठाकुर की सेवा राधा रानी कर रही हैं, दास का भाव है, सखी भाव में भगवान श्री कृष्ण के संग रमण कर रही हैं, सख्य भाव है, और गोकुल में सुबह सुबह यशोदा माँ ने पहले से ही जाके राधा रानी के घर पे कह रखी है कि राधा रानी हमारे घर पे रोज आया करे ठाकुर जी का खाना बनाने के लिए, वृंदावन की लीला में, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है कि राधा जिसको खिलाएंगी वह चिरायु होगा। तो यशोदा माँ चाहती हैं कि मेरा पुत्र हमेशा चिरायु रहे, तो वह राधा रानी को बुलाती हैं। स्त्री का वात्सल्य उसके भोजन करने की सेवा में दिखता है, तो राधा रानी जब भोजन बनाती हैं तो वहां पे वात्सल्य भाव आ जाता है, और राधा कृष्ण का माधुर्य तो हर कोई जानता है। एक एक भाव एक एक से ऊपर है, हर भक्त एक भाव का रहा है।
स्त्रियां जाने उनके पति कभी कभी बच्चा बन जाए। कई स्त्रियां बोले मेरे घर में दो बच्चा ना आए, तीन बच्चा आए। नहीं, स्त्री माँ का भाव दिखाती है, वो वात्सल्य है। तो रसज्ञ होना चाहिए, रस का ज्ञाता होना चाहिए गुरु। आपके अंदर कहीं भी रसाभास हो रहा हो तो आपको रोक के कर दे, ये भक्ति में यहां पे ये कमी है, ये सुधार लो तो वृंदावन पहुंचोगे। ये गड़बड़ हो गई, पहले तो गुरु दीक्षा ही ना ले यार, डर लगे। दो चीजन से सबसे ज्यादा डर लगता है, बचपन में सब चाहते कि विवाह होएगो मेरो एक दिना, जब उम्र आती है घर वाले बोलते हैं शादी करोगे, नहीं अभी तो हमें अपना कैरियर बनाना है। जैसे तैसे करके इच्छाओं इतना प्रबल है नहीं है, विवाह महाराज 50 बार सोचते हैं करें नहीं करें, बड़ी टेंशन होगी, हमारे मूड पे एक एक रहेगी, सुबह से लेकर रात्रि तक रहेगी। गुरु से दीक्षा ली जाती है तो भी बड़ी टेंशन हो जाती है, हाय राम घर वाले कह में जे तो गयो काम से। रज्जब ते गज्जब कियो सिर पे बांधा मोर। रज्जब जी है आमेर के सेनापति थे, राजस्थान के पास वो आमेर किला है ना, वो जयपुर के पास, रज्जब जी अपने गुरु दाऊदयाल जी के पास जाया करते थे प्रतिदिन, रोज सत्संग करा करते, सब करते। एक दिन रज्जब जी शादी का इनविटेशन लेके गुरु जी के पास आ गए, अपने सगे संबंधियों के संग आए, और गुरु जी ने पहले ही देख ली थी कि ये तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, परंतु उसके बाद भी अब गुरु जी कुछ कह नहीं पाए, सब रिश्तेदार संग में थे। अब गुरु जी के मन में हुए कैसे इससे 2 मिनट मिल जाए, बस बस कैसे 2 मिनट मिल जाए, बस अपनी बात कह दो। कोई 2 मिनट मिल ही नहीं पा रहे, अब तो भैया दूल्हा हो गए, सब आगे पीछे उसके टोला करते। शादी का दिन आया, शादी का दिन आया तो महाराज रज्जब घोड़ी पे बैठ गया, दाऊदयाल जी वहां पे भी पहुंच गए, इंतजार करने लगे कैसे समय आए मैं घोड़ी के पास जाऊं, ये नीचे झुक के मुझे प्रणाम करे और इसके मैं कान में जाके कह दूं, सबके सामने कहूंगा, क्या पता जूते पड़ जाएं, चुपके से जाके कह दूंगा जैसे ही मिले। महाराज सब रिश्तेदार मिल लिए, इधर उधर शादी में चलते हुए हुए इतनी देर में दाऊदयाल जी ने देखा बिल्कुल सही समय आ गया। जैसे ही देखा सही समय आया, सीधे भागे, भाग के उसके पास पहुंचे, उसने देखा गुरु जी आए हुए हैं, वो नीचे झुका घोड़े से प्रणाम करने के लिए, इतनी देर में उसके गले पे हाथ रख के नीचे करके कान में कहा, रज्जब ते गज्जब कियो सिर पे बांधा मोर। आया था हरि भक्ति को चला नरक की ठोर। अरे तू तो हरि भक्ति करने आया, जैसे ही सुनी ये तो कह के सटक लिए पतली गली से, वो साहब भी शिष्य ऐसे घोड़ी से उतरे, बोले मुझे तो शादी नहीं करनी है। वहीं विरक्ति आ गई। तो डर लगा रहता है सबको, गुरुजी ने कहा यूं कल शॉल ऊपर से डाला, गुरुजी
कहियो ना कह दे कि रज्जब ते गज्जब कियो, तुम्हारा सब घर परिवार छूट छाट के खत्म हो जाए, भक्ति भक्ति के चक्कर में कुछ काम होगा नहीं। अरे प्रहलाद ने तो असुर लोक के अंदर रह के भक्ति कर ली, कौन सा वन में गया था। गोपियों ने तो घर के अंदर परिवारों की सेवा करते हुए भक्ति को प्राप्त करा था। पांडव कौन से वन के अंदर गए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। पूरे संसार पे आधिपत्य, बहुत बड़ा बिजनेस है था। हाँ, पूरे संसार पे आधिपत्य था युधिष्ठिर महाराज का। हम घर चलाने में महाराज हाय राम हाय तौबा कर जाते हैं, वो तो पूरा संसार चला रहे थे। भागवत कहती है युधिष्ठिर महाराज ने पूरे संसार को चलाया कृष्ण के शरणागत होकर। बहुत जरूरी है। गुरु देखो, ठाकुर जी भी बड़े अजीब हैं। आजकल कलयुग के अंदर ठाकुर जी भी अपने प्रिय भक्तों को एक काला टीका लगा के भेज देते हैं। नजर ना लगे। जैसे किसी सरोवर पे जाओ स्नान करने के लिए जिसका बहुत बड़ा महात्म्य हो, ऊपर से काई देखोगे तो स्नान करने नहीं जाओगे, पर आंख बंद करके महात्म्य को जान के कूद गए, ऊपर इकाई दिखेगी, नीचे तो महाराज निर्मल जल ही जल होगा, वह पावन जल जो तुमको शुद्ध करेगा। गुरु भी ऐसे ही हैं, कई गुरु ऐसे हैं जो देखने में लगेगा बड़े विषयी हैं, देखने में लगेगा कि राम 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 सब दिखावा है, परंतु उन गुरु का जब संग करा जाएगा, जब उनके रस तत्वों में डूबा जाएगा, तब जाके मालूम चलेगा कि ऊपर तो बस दिखाने की वह काई लगी हुई थी, अंदर तो महाराज वह शीतल जल है जो हम सबको पावन कर देता है। कबीरदास की जब लोक प्रसिद्धि हुई तो उन्होंने क्या करा, एक वेश्या को बुला के अपने पास रख लिया। जो लोग पहले कबीरदास के बारे में अच्छा कहा करते थे, बोले भैया नाम बड़ो है गयो, तो देखो उल्टे सीधे कर्म शुरू हो गए। निंदा करनी, देखो अच्छा होता क्या है, कल निंदा की बात चल रही, निंदा कितनी सूक्ष्म है। तुम निंदा नहीं करते हो, परंतु तुमने किसी की निंदा सुनी, और सुनने के बाद वो बात तुमने दूसरे से कह दी। तुम निंदा नहीं कर रहे हो, परंतु तुमने कहा कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा था और सब कह दिया, पाप लगेगा। निंदा मुख से ना निकले। तीसरे व्यक्ति को कभी मत कहो, चौथे कोई हो, किसी ने कुछ गलत काम करा है तो दूसरे को क्या बताना। हमारे से परिवारों में क्या होता है,
भक्तगण आपस में ही एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर देते हैं। असली भक्त कौन होता है? कहीं कुछ दोष दिखे भी तो गुरु के पास जा, क्योंकि गुरु शासन करता है दूसरे उसके गुरु भाई के ऊपर। तो वह गुरु जिस दिन भी चाहेगा, जिस समय उसे समय उपयुक्त लगेगा, उस समय पे उसकी कोई दोष हुआ तो उसको सही कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है। तुम अगर किसी को सुधारना चाहते हो तो उसके गुरु के पास जाओ, उसके बड़े के पास जाओ। किसी को सुधारना नहीं चाहोगे तभी तो एक महाराज उसकी यह दोष है 50 जगह पे गाओगे। अरे ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें हम सब परफेक्ट नहीं हुए हैं। माया प्रतिदिन खेल खेला करती है। जब माया इतने खेल खेल रही है, अरे किसी दिन वो जीतती है, किसी दिन हम जीतते हैं, ये सबके संग होता है। पर एक प्रयत्न तो कर रहे हैं ना, एक प्रयत्न चल रहा है कि कैसे ठाकुर के भक्त बन जाए। ये ठाकुर जी के भक्त बनना इतना आसान तो वैसे के है ही नहीं है। अधिकतर तो हम सब तो वैसे ही इन समस्याओं के अंदर घिरे रहते हैं कि गुरु करें ना करें, करें तो कैसो करें। ये तीसरा स्टेप है, बड़ो कठिन है, हरेक से ना होए। अरे गुरु तुमसे क्या लेगा? कबीरदास तो कहते हैं गुरु ही एकमात्र है जो तुमको देने के लिए आगे रहता है। शास्त्र के अंदर एक जगह पे तो साफ तौर पे लिखा भी हुआ है, सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुची मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। सतगुरु तो स्वाति के जल की तरह से है, शिष्य रूपी सीप के अंदर प्रवेश कर जाता है जब दीक्षा देता है। तब कहीं जब सकुची मीन टक्कर लगे, जब मीन की मछली की टक्कर लगती है तो वही दीक्षा रूपी मंत्र जो से प्राप्त हुआ है स्वाति जल जैसा, वही मोती बन जाता है। तो महाराज भक्ति करनी है तो गुरु सर्वज्ञ हो, रसीलो हो, और गुरु का अगर तुम कुछ विषय देख रहे हो तो भी उसको त्याग दो, क्योंकि उसकी महिमा इतनी अपरंपार है। अरे भैया परफेक्ट तो पति भी ना मिले, गुरु कहां से मिलेगा? 7 जन्मन को जोड़ा होए जो स्वर्ग में लिख के आवे, तो जिसके जो बट में है उसे उतना तो मिलना ही मिलना है। परंतु अपनो पति सबसे ज्यादा परफेक्ट लगे। परफेक्शन ढूंढ लियो जाए, ऐसे ही काम गुरु के संग होए। आपके बच्चे में कितने भी दोष क्यों ना हो, उसके बाद भी आप उसके गुणों को ही देखोगे। जिससे इतना प्रेम होता है वहां दोष नहीं सिर्फ गुण दिखते हैं। पर गुरु की 3 चीजें आवश्यक हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं दक्षता, सर्वज्ञता
और रस तत्व का जानने वाला हो। अरे इतना अगर ब्रह्म का ज्ञान लेके समझते हो कि आंख बंद करके सांसों को ऊपर चढ़ा के नीचे कर लोगे भगवान मिल जाएंगे। अरे सांप तो छोटे छोटे बिलों के अंदर रह के भी कितने कितने वर्षों तक सांस रोक के रहता है, उसे भगवान नहीं मिले, हमें कहां से मिल सकते हैं। तुमने सोच लिया पानी पीकर ही भगवान मिल जाएंगे, तो मछली भी तो पानी पीते हुए रहती है, उसे कौन से भगवान मिलते हैं। सोचते हो ध्यान करके भगवान मिल जाएंगे, तो बगुले से बड़ा ध्यान किसका है। उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी जब गोपियों के पास गया तो उनके प्रेम के आगे नतमस्तक होकर उनको गुरु बना लिया। बहुत जरूरी है, चाहिए क्या। कौन सी गुरु बनाई? गोपियां जो रस तत्व की ज्ञाता थी, रस तत्व को जानती थी। राधा कृष्ण ऐसे ना मिले। राधा कृष्ण के बारे में तो हमारे यहां पर एक पद भी आवे, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ, जहां चाह जाओगे होंगे प्रत्यक्ष, जहां दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। सब जगह चले जाओगे। शास्त्रों के अंदर पांच नाथ बताए गए हैं, भक्ति रत्नाकर के अंदर पांच नाथ बताए गए हैं। सिर पर भारतवर्ष के बद्रीनाथ, दाहिनी तरफ या पश्चिम की तरफ द्वारकानाथ, पूर्व की तरफ जगन्नाथ, भारत के बहर की तरफ रंगनाथ। चार नाथों के पास जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, परंतु पांचवा नाथ तो भारत का हृदय कहा गया है, वह है श्रीनाथ। और जो हृदय है वह गोवर्धन में वास करता है श्री राधा रानी के साथ। चार जगह मुक्ति मिलेगी, पांचवी जगह सीधे हृदय, हृदयांगम होगे, हृदय का रस प्राप्त होगा। अब मुक्ति चाहिए। कि भगवान का वह प्रेम चाहिए जो गोपियों के पास था। मुक्ति पांच तरीके की, सायुज्य जो सब राक्षसों को मिली है, सायुज्य जो ज्ञानियों को प्राप्त होती है, सायुज्य जो क्रिया योगियों को प्राप्त होती है, सायुज्य जो हठ योगियों को प्राप्त होती है। सायुज्य माने आत्मा का परमात्मा में लीन होना। सब राक्षसों को मिली है, एक ऐसा राक्षस नहीं है जिसको ना मिली हो। वैष्णव आचार्यों ने कहा जो राक्षसों को मिला है द्वेष करके, ईर्ष्या करके, भय से, अगर प्रेम करेंगे उस ठाकुर के संग तो ना जाने क्या मिलेगा। हमारे आचार्य बोले ब्रह्म में लीन होना ही नहीं है,
जो राक्षसों को मिल गए हो भगवान की भक्ति ना करे हुए, और यहां तो रोज सुबह से लेकर रात तक भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या मिले? कुछ अच्छा तो मिलना चाहिए ना। तब ऐश्वर्य रूप नारायण की उपासना जब करी जाती है, विष्णु की उपासना जब करी जाती है, श्रास्ती सामीप्य सालोक्य सारूप्य, चार मुक्तियां वैकुंठ के अंदर प्राप्त होती हैं। ठाकुर जैसे जैसा रूप मिलेगा, ठाकुर जैसा लोक मिलेगा, ठाकुर जैसे ठाकुर के पास रहोगे, पर ये वैकुंठ की मुक्तियां हैं, ये वैकुंठ तक रहती हैं। पर जिसको चाहिए, मैं तो ठाकुर के संग रोज नित्य लीला करता रहूं, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वह तो महाराज उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर गोपी रूप में, या ठाकुर का कोई सखा हुआ, वह उस गोकुल के अंदर ठाकुर जी के संग सखा रूप में वहां नित्य लीलाएं करता रहता है। तो चाहिए क्या? वो रस तत्व जिसका सही हो वह गुरु चाहिए। भागवत हर जगह पांचों मुक्तियों की चर्चा करता है। एकमात्र भागवत क्या, हर जगह पर महाराज पांचों मुक्तियों की चर्चा है। और वैष्णव आचार्यों ने तो सबसे पहले मना कर दी, चाहे वह रामानुजाचार्य हो, चाहे माध्वाचार्य हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे महाराज रामानंदी आचार्य हो, कोई हो, सबने कहा सायुज्य पे मत जाना, ब्रह्म में लीनो। अरे भैया ब्रह्म में लीनो नो, कछु करो ही मती ना, बैठे बैठे बस मर जाइयो वहीं पे जाके, बनारस में वृंदावन में मिल जाएगा तुम्हें ब्रह्म। ठाकुर से द्वेष कर लो, शत्रु मान लो उसको, बहुत आसान है ब्रह्म में लीन होना। हां अगर उसे निर्विकार रूप में मान रहे हो तो बहुत कठिन है उस ब्रह्म में लीन होना, जिसका कोई रूप नहीं, उस परमात्मा को पहले समझना कि वो परमात्मा है। परंतु समझ में नहीं आता वो निर्विकार है कैसे। वही वेद की ऋचाएं महाराज पुरुषोक्त का गान करते हुए कहती हैं कि महाराज उसके तो हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों पैर हैं। वेद की ऋचाएं जो बता रही हैं उसे विश्व रूप का दर्शन, और वहीं पर ही कोई स्वामी जी आके कहते हैं अरे वो तो निर्विकार रूप है। और कैसे मान ले तो भैया निर्विकार रूप है? वेद का मुख्य स्रोत कौन सा है? पुरुषोक्त। चारों वेदों के अंदर पुरुषोक्त है, अर्थ वेद का थोड़ा सा अलग है पुरुषोक्त, नहीं तो सब एक ही है। शंकराचार्य जैसा ब्रह्मज्ञानी संसार में कौन होगा? जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तो महाराज माँ ने पूछा तत्व दर्शन के ऊपर कुछ चर्चा कर दो, बता दो कुछ तत्व को। किसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं करी, आप कभी भी पढ़िएगा
शंकराचार्य की जीवनी। अंतिम समय तक होते होते वह पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त हो चुके थे। मां को कृष्ण प्रेम बताया। अरे अगर इतना होता तो वो क्यों कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, क्यों कहते इस बात को? वह निर्विकार रूप को ही मानने वाले हैं, सब जगह पे कह रहे हैं, तो क्यों महाराज फिर जगन्नाथ स्वामी को ही अपना सब कुछ मान के कहते मेरी आंखों के सामने आ? या आपसे कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, क्यों कहते? जो दिखता ही नहीं है तो उसका नाम भी कुछ नहीं है, जो दिखता है उसका नाम है। गोविंद किसका नाम है? जो दिख रहा है, जिसने गोवर्धन के अंदर लीला करी, भागवत में जो बताया गया है, जिसका नाम महाराज गोविंद दिया गया, महाभारत में जिसके बारे में बताया इंद्र ने नाम दिया, भागवत कहती है महाराज सुरभि ने आके नाम दिया गोविंद। अब यहां भक्ति नहीं है तो क्या है? परंतु नहीं जी, हम तो बैठ गए, गुरु जी ने बोली है कि वो जो देखने वो है ना, वो निर्विकार रूप है, वो दिखता विकता नहीं है, हम आंख बंद करके बस निर्विकार रूप के बारे में। अरे महाराज, निर्विकार साकार रूप तक तो आंखों में चढ़ता नहीं है, निर्विकार कहां से चढ़ जाएगा? मैं कहूं बिहारी जी के दर्शन करके आ गए हो, बिहारी जी के रूप को आंख बंद करके और आंख खोल के उसका ध्यान करते रहो, ध्यान नहीं होगा। सबसे बड़ा सबका प्रश्न यही होता है कि भैया वो माला तो करते हैं, ध्यान नहीं लगता है। और यहां पे गुरु जी आके बता के जावे ध्यान करो उस निर्विकार रूप का। अरे कहां से कर लोगे भैया, साकार आ नहीं रहा है, निर्विकार आ जाएगा? वेदों के अंदर बोला है, अच्छा है, परंतु गीता के बारे में अध्याय के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया बहुत कठिन मार्ग है, बहुत थोड़े होते हैं जो इस मार्ग पर चल पाते हैं। निर्विकार रूप को कहां लेके आ सकते हो? तो बड़ी बड़ी वेदों की बातों में मत जाओ। गुरु जहां दक्ष हो, जहां सर्वज्ञ हो, और फिर रसीला हो, रस का ज्ञाता हो। एक स्वामी जी है, स्वामी अनंत गूढ़ाचार्य जी, एक बार कहीं रामलीला सुन रहे थे, चित्रकूट से ही थे, तो राम जी का वनवास सुना तो वैराग्य आ गया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और पूरा वैराग्य पूर्ण जीवन जिया करते थे। अब देखो एक आदत लगी रही, तंबाकू खाते थे। अच्छा वो पुराने जमाने की बता रहे हैं हम, वो जो रगड़ा तंबाकू चलता था जिसमें अंगूठे की एक्सरसाइज चला करती थी, चूना डाल डाल के। तंबाकू खाने की आदत थी, और चलते चलते कहीं कोई देख वो देख लेते कि कहीं कोई तंबाकू बना रहा है, बस उसके पास पहुंच जाते, ला थोड़ा तंबाकू दियो। पर वैराग्य उच्च कोटि का था, राम के अंदर भक्ति महाराज उच्चतम शिखर को प्राप्त थी,
श्री करपात्री जी महाराज जब जब उधर जाया करते, सबसे पहले अनंत गूढ़ाचार्य जी के पास जाके उनको दंडवत लगाते थे उनके वैराग्य और उनकी भक्ति के लिए। और बोलते थे ऐसा वैराग्य किसी बहुत बिरलों को प्राप्त होता है। तो तबाकू तो ऊपर की महाराज वह काई थी, परंतु करपात्री जी जैसे महाराज जो उस अंदर डूब चुके हैं वह जानते थे कौन कितना निर्मल हृदय का है, धर्म सम्राट करपात्री जी। ग्वारिया बाबा ने तो एक बार वृंदावन में, ग्वारिया बाबा है मनमौजी महात्मा है, मनमौजी कोई भगत आया और बहुत सारे रुपए दिए, अच्छा रुपए आ गए, कमरा था कमरे के अंदर, कहीं से गए जाके ए मेरे पूरे कमरे के अंदर कालीन अच्छे अच्छे बिछा दे, अंदर कालीन बिछवाए दिए, बोले बहुत अच्छा सा डेकोरेशन हो जाए। हाँ हो गया, अच्छा सा हो गया, हो जाने के बाद बच्चों के लिए कमरा खोल लिया, बेटा जो लूटना है लूट लो मैं चला, जो मन में आती वो करते। मथुरा में एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक हवेली थी, हवेली भूता हवेली के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उसमें भूत प्रेत रहते थे, तो वहाँ पे कोई नहीं जा पाता था। बाबा ने एक दिन सुनी वहाँ पे भूत रहते हैं, बोले अरे कोई बात नहीं कीर्तन करवा दूंगा, बस बोले मुझे एक हारमोनियम चाहिए, हारमोनियम दे दे और एक करताल दे दे। ठीक है जी, करताल लिया हारमोनियम लिया, उसके यहाँ पे वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचते ही महाराज सेठ जी के संग थे, सेठ जी पीछे पीछे डर डर के चल रहे थे, बाबा महाराज अपने राधा रमन लाल के भाव में वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद जय राधा रमन लाल करते हुए हाँ उन्होंने वहाँ कीर्तन शुरू कर दिया, हरि हरय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हमारा कीर्तन शुरू हुआ। इतनी देर में हारमोनियम हवा में उठ गया, हारमोनियम महाराज उसके कीबोर्ड बजने लगा, जैसे ही सेठ जी ने देखा धोती गीली हुई और वो भागे वहाँ से, और यहाँ पे महाराज वो जो प्रेत था वो तो वहाँ हारमोनियम बजा के नृत्य कर रहा था, हारमोनियम हवा में टंग टंग के महाराज वहाँ हरिनाम हो रहा था। ग्वारिया बाबा बाहर आए, बोले भैया वो प्रेत है ना, उसे भगत तो हमने बनाए दियो, दीक्षा तो दे देनी, अब जरा ये सामान जरा लिस्ट देते हैं ये लेके आओ, उसका उद्धार कर देते हैं अभी। बड़ी महाराज ऐसा कार्य हुआ, प्रेत को दीक्षा देके उद्धार कर दिया, पूरे चहुं और मथुरा वृंदावन के अंदर सब जगह ख्याति फैल गई, अरे बाबा बड़ो जबरदस्त है, प्रेत को भी अपनो चेला बनाए लियो। सब पहुंच गए बाबा के पास, बाबा ने देखी ना आप खाने दे रहे हैं ना सोने दे रहे हैं, रोज कुटिया के बाहर 200-200 लाइन लगा के खड़े है जाते, पेड़ा मेवा वाटी ले लेके, महाराज जी मेरी जे परेशानी वो परेशानी। बाबा ने गए सीधे मथुरा, रात को ही जाके, कोई सब सोए रहे, वैश्या ले खुलो भयो, वहाँ वैश्या बैठी हुई थी, बाबा को बहुत दक्षिणा आई, बड़े सारे आके भगत दे के गए, वैश्या को ले जाके सब रुपया दियो धर और कही एक दिन तू मेरे संग रहेगी, कल सुबह से अपनो तांग, वो पहले वैश्यान के पास तांगे होते थे अपने तांगे वाले, बोले तेरे तांगे पे मैं बैठूंगो और मथुरा के सब बाजारन में रोज सुबह से लेकर संध्या तक घूमूंगो। महाराज सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे, जितने लोग उनकी सिद्धता को मानकर उनकी वाहवाही करा करते, परंतु अब उनमें दोष देखते हुए अब बाबा से दूर होने लगे, बाबा को चाहिए भी यही था। तो जिस बात को समझ नहीं सकते वहां निंदा मत करो, जिस लीला जो तुम्हारी समझ में नहीं आती उसे भगवत नाम समझ के भगवत कृपा समझ के महाराज वहीं छोड़ दो। कोई बड़े के पास बच्चा जाए और बच्चा जाके बोले मुझे गृहस्थ धर्म की शिक्षा दीजिए,
पिता उसको कहेंगे, बेटा तेरी उम्र नहीं है, जब तेरी उम्र आएगी तो अपने आप सीख जाएगा। तो कई सारी बातें हमें नहीं समझ में आ सकती हैं, कई सारी अपनी गुरुओं की लीला नहीं समझ में आ सकती हैं। ठीक है जी, आप उसे समझ लो, जिस दिन समय आएगा भगवत कृपा मिलेगी, तुम सब खुद ही समझ जाओगे, पर निंदा से बचे रहो। निंदा किसी प्रकार की ना हो, क्योंकि वह निंदा पाप का घड़ा भरती रहेगी, पाप का पहाड़ आ जाएगा। वही सद्गुरु तुम्हें असद्गुरु नजर आने लगेगा। गुरु तो वह नाविक है, तुम्हें अगर नाविक पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो तुम कहां जा पाओगे उस यात्रा में भवसागर को पार करते हुए। परंतु ध्यान रहे, फिर से इसी बात पे तीसरा जो बोला है, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। कई लोगों का यह होता है, अरे हमारी तो दीक्षा हो गई है, गुरुजी तो और दूसरे हैं, उन्होंने तो मंत्र और दियो, जे कछु बताया वो कछु बताया, अब दीक्षा ली जा सके कि ना है, कि गुरु जी तो एक ही है, गुरु तो बदलने का बोला नहीं जाता है। बड़ा सूक्ष्म धर्म का निर्णय है। सबने गुरु बदले हैं, वृंदावन की जिस जिसने भक्ति करी है, सबके पहले गुरु और कोई थे, बाद में गुरु और कोई हुए हैं। जहां योग बदलता है, योग बदलता है तो मंत्र बदल जाते हैं। एक मंत्र की दो बार दीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, परंतु अलग अलग मंत्र की तुम अनेकों बार दीक्षा अलग अलग गुरुओं से प्राप्त कर सकते हो। भाई एक डॉक्टर ने एक जगह दवाई दे दी, दूसरा डॉक्टर भी वही दवाई दे रहा है, तो तब उस जगह पर शास्त्रों ने मना करी है, गुरुओं को मत बदलो। परंतु एक डॉक्टर है ज्ञान का, जो तुम्हारे मस्तिष्क की दवाई दे के तुम्हें योग बता चुका है, तुम्हें दीक्षा दे चुका है, उसका मंत्र भी अलग है, परंतु अब बात भक्ति योग की आ रही है, अब हृदय की बात है, हृदय का मंत्र भी अलग है, हृदय का महाराज जाने का वो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी अलग है, उसे करने की क्रियाएँ भी अलग हैं। तो उस समय पर महाराज गुरु बदल कर वह रस रीति का पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। प्रकाशानंद सरस्वती उस बनारस के अंदर अद्वैत के सूरज कहे जाते थे, हजारों लाखों उनके सन्यासी गण हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु की जैसे ही कृपा मिली, थे अद्वैत परंपरा, शंकराचार्य की परंपरा के अंदर सन्यासी थे, गुरु थे। जहां चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, अपना सन्यास धर्म छोड़ दिया, विरक्त वैष्णव बन के वृंदावन में आ गए। उन्हीं का तो हम मंगलाचरण के अंदर एक श्लोक कहते हैं, उन्होंने ही राधा रस सुधा निधि, उन्होंने वृंदावन का सबसे अद्भुत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत लिखा। राधा रानी की महिमा जो इस संसार के अंदर बताई गई है, जो वांग्मय मूर्ति है, वो है राधा रस सुधा निधि, उनके द्वारा प्रणीत है। तुंग विद्या सखी के अवतार प्रकाशानंद सरस्वती थे, प्रबोधानंद हो गए। पानी में जानो है तो नाव चाहिए, रोड पे चलना है तो नाव से नहीं चल पाओगे,
वहां कार चाहिए। जिस रोड जिस योग पे जाना है वैसा वाला गुरु होए, वह गुरु सीधे सीधे आगे लेके चलता है। वेदों का मंत्र ब्रह्म गायत्री, वेद बताते हैं जा कहां तक जा सकते हो, स्वर्ग तक। स्वर्ग स्वर्ग के ऊपर गति नहीं है वेदों की। भागवत जी प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय चौथा श्लोक, नैमिषारण्य के अंदर 88,000 शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे कि स्वर्ग के ऊपर क्या है वह दिख जाए, परंतु कर्म कांड उनको वह स्वर्ग के ऊपर हरि के दर्शन करा नहीं पाया। हजारों वर्ष तक करते रहे, जिसकी गति जहां तक है वहीं तक लेके जाएगा। तो चाहिए क्या जीवन में ये निश्चित करो। राधा कृष्ण नहीं चाहिए तो कहना बेकार है। राम जी चाहिए, राम जी वाले गुरु के पास जाओ, जिसके ने राम जी सीता राम को सिद्ध करके बैठा हुआ हो। उसके पास मत जाओ जो महाराज देखने में ही लगे कि हाँ गुरु जी तो है परंतु अंदर से गुरु नहीं है। जैसे ही हो जाए महाराज, हमारे यहां तो कहां शास्त्रों के अंदर इस बात को भी कह रखा है, चोगा वाला गुरु कौन सा है? बोले वो जिसकी जो मखमल वाली म्यान के अंदर बैठा हुआ है, म्यान से वो जैसे ही जरा सा बाहर निकल के असली रूप दिखाता है तो बड़ा काटता है। तो जो चाहिए वैसा वाला गुरु प्राप्त हो। अगर गुरु की महिमा नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते हो, तो गुरु से प्रेम नहीं करोगे। गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो गुरु के प्रति निंदा करोगे। तो गुरु के प्रति निंदा ना हो, पहले ही कहा गया है गुरु को समझ लो, परख लो, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। डेस्टिनेशन निश्चित कर लो, कौन से भाव में कृष्ण को भज रहे हो। राम जी कौन से वाले चाहिए, हनुमान वाले चाहिए कि भरत वाले चाहिए कि लक्ष्मण वाले चाहिए कि सीता वाले चाहिए कि दास रूप में चाहिए। एक जगह राम जी वह भाई हैं, एक जगह महाराज स्वामी हैं, एक जगह पति हैं। किस भाव में चाहिए, जिस भाव में चाहिए उस भाव की राम जी के प्रति भक्ति करी जाती है। तो तृतीय करें गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बसे वनराज जसीलो। चौथा, हृदय से विरक्ति आए, अब मैं ठाकुर का दास हो चुका हूं, मुझे ठाकुर की भक्ति करनी है। चौथे होई विरक्ति बसे बनराज बस रस हाँ बनराज जसीलो। महाराज वह धाम वृंदावन की धारणा हृदय में आप धारण कर लेते हो।
एक बार एक बहुत बड़ा राजा वृंदावन, एक काले रंग का घोड़ा वृंदावन के अंदर आया। नंद बाबा आदि उसको देख रहे थे, ये एक काला घोड़ा आया है। और घोड़े ने आकर महाराज उस वृंदावन की रज पर लात चलानी शुरू करी, अपने मस्तक को रगड़ना शुरू करा, और वह व्रज रज उड़ उड़ कर उसके पूरे शरीर पर लगने लगी। जब पूरे शरीर पर लगी तो महाराज अब उस घोड़े का रंग बदलने लगा। जहाँ जहाँ पड़ रही थी वह उसका रंग बदलते हुए काला घोड़ा सफ़ेद हो गया। जैसे ही नंद बाबा ने इसको देखा, देखते ही उसके पास पहुँचे और घोड़े को देख के पूछो, चौं कौन है भैया तू, कालो हो के आयो, परंतु का यहाँ की माटी है तूने अपने ऊपर लगायो है कि तू तो अब गोरो गोरो सो लगे। ब्रजवासी सब संग में खड़े भए। जैसे ही पूछो तो वो जो सफेद भयो घोड़ो हो वो एक युवराज बन के प्रकट हो गयो और हो के बोलो, मैं महात्मन आप सबको नमन करूं, आप मैं प्रयागराज हूँ, मैं तीर्थों का राजा हूँ, मेरे यहाँ पे हर कोई त्रिवेणी संगम पर आवे, मेरे आप पास आके अपने सब पापों को धोवे, तो उन पापों के कारण मेरे पूरे शरीर पे महाराज हाँ कालोपन आ गयो है, परंतु का बताऊँ मैं आपको, मुझे भी अपना कालापन उतारने के लिए, उन पाप से मुक्त होने के लिए इस वृंदावन की उस रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा नाम। रसिकों का तो एकमात्र धन वृंदावन है। ब्रज की रज एकमात्र ऐसी रज है जहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पैरों का स्पर्श जहां पे दिया है और वहां खेले हैं। हम तो हनुमान चालीसा करें, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की चरण की रज जो है ना कमल की भांति शीतलता देने वाली है। सरोज रज, रज के का विशेषण सरोज। ये कैसा है, ये शीतलता कैसे देती है? ये तीनों प्रकार के तापों को नाश करती है। कमल बहुत कोमल होता है, परंतु आयुर्वेद के अंदर बता रखा है जिसको ज्वर हो उसको उसके ऊपर कमल के फूल की पंखुड़ियां होती है ना उसको लगाया जाता है। कमल ताप खींचता है। और देखो कमल जो है जहां जहां ताप होता है वहीं वहीं अपना मुख करना शुरू कर देता है, जहां जहां सूर्य हुआ वहीं वहीं पर घूमना शुरू कर देता है। ये कार्य है ये उसका, कमल का खुद नहीं जलता है, खुद सूरज की कितनी किरणें पड़े उसके ऊपर उसके बाद भी नहीं जलता है, जितना आए उतना खिलता रहता है। तुलसीदास इसी को तो कह रहे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु
सुधार देगा तुम्हें, कमल सुधार देगा, वह गुरु की रज सुधार सकती है। तो सोचो जहां भगवान श्री राधा कृष्ण की साक्षात रज पड़ी हुई है, वह जो वृंदावन धाम है, जो रज धानी है महाराज, वो हमें तो भगवत धाम अपने आप ही दिला देगी। बड़े बड़े देवताओं को भी है वृंदावन की रज प्राप्त नहीं है, इंतजार करते रहते हैं आज भी शंकर बैठे बैठे, कब मैं उस वृंदावन की रज में जाकर अपने आप का अभिषेक करूं। धन धन वृंदावन के गधा, हमारे आचार्यों ने गाया है, धन धन वृंदावन के गधा, ब्रज की माटी में लोट लोट दिखावे अदा। महाराज वह वृंदावन के अंदर गधा भी बड़ा पूजनीय है, जो महाराज वृंदावन की माटी में लोट लोट के श्री राधा कृष्ण के चरणों की वह प्रसादी रज को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उद्धव ने भी तो क्या मांगा कि अब एकमात्र जीवन की एक ही चाह बची है कि मैं लता पता बन के उस ब्रज वृंदावन के अंदर पहुंच जाऊं, गोपियों को छाव देता हुआ उनकी सेवा करता रहूं, और गोपियां जब वन में रमण करती हुई घूमे तो बस उनकी पदरज मेरे ऊपर आके मेरा अभिषेक करती रहे। श्री वल्लभाचार्य तो कह रहे प्रभुदास से, स्नान कराने ही खाने बैठ गया, बोला जाके अभी जाता हूँ जरा खा के आता, वो स्नान करके आता हूँ राधा कुंड में। बोले स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः, बोले यार यहाँ पे तो स्नान करेगा वृंदावन के अंदर, यहाँ तो एक एक पैर रख के ही स्नान हो जाता है जब रज रज पड़ती है। वृंदावन आ जाए, जो जा नहीं पा रहे वो हृदय को वृंदावन बना ले, जो जा सकते हैं वो वृंदावन चले जाए। महाराज वृंदावन चले जाओगे तो दो चीजें मिल जाती हैं, प्रथम रसिक जन और दूसरा रज। यहां वृंदावन अपने हृदय को बना लोगे तो ये दो चीजों से तो भी दूर रहोगे। बीच बीच में चेष्टा करो कैसे अपने घर उस वृंदावन में जाओ जहां मेरे श्यामा श्याम विराजते हैं। शब्दों का ध्यान रखिएगा, जहां मेरे श्यामा श्याम विराजते हैं वृंदावन आपका घर होगा। जहां श्यामा श्याम रहते हैं दासी तो वहीं पर ही सेवा करेगी। कोई आदमी बोलता है ना दसियों साल के बाद भी, हाँ मैं वृंदावन घूम के आया, मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करूं उसको। हाँ महाराज जी हम तो हरिद्वार घूमने गए थे। अच्छा भैया तू घूमने गया, तुझे घूमने का ही कुछ प्राप्त हुआ हो, प्राप्त हुआ हो, घर में कहाँ घूमा जाता है। असली भक्त तो वह है तो जो बोले मैं तो अपने घर होके आया था। छोटी छोटी सी बात है, अगर हृदय से अपने आप को उस वृंदावन का श्यामा श्याम का तुम महाराज भक्त मानते हो तो जीवन में कभी नहीं कहोगे तुम वृंदावन घूम के आए थे। अरे वृंदावन तो तुम अपने हृदय के अंदर उसका प्रादुर्भाव कर दोगे। राम के भक्त तो अपने हृदय के अंदर साकेत को धारण करते हैं,
वृंदावन के भक्त, राधा कृष्ण के भक्त अपने हृदय के अंदर उस धाम वृंदावन को धारण करते हैं। बहुत जरूरी है कि महाराज तुम्हारे पास जो तुम मुख से कह रहे हो वो हृदय में भी धारण कर लो। मैं राधा कृष्ण का भक्त हूं कहना आसान है, मानना बहुत कठिन है। जिस दिन मान जाओगे उसी दिन ठाकुर जी अपने आप को दिखा देंगे। तुम आज भी अपने घर को अपना घर मानते हो, अरे वृंदावन को घर मानना है। मेरा घर तो वृंदावन है, ठाकुर ने कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेजा हुआ है, मैं इन रोज इंतजार करता हूं ठाकुर कब बुलावा भेजे और अपने घर में फिर से बुला ले। परंतु ये हम मानते नहीं है। तुम कहां रहो? मैं बावली रोड पे यहां पे रहूं। हमारे यहां को भगत से पूछे हो तुम कहां रहे, बोले जी मेरा शरीर वहां रहता है, आत्मा वृंदावन में रहती है। आपके घर में कितने लोग हैं? बोले हाँ हम दो हैं और दो हमारे बच्चे, चार। बस धर रख भैया तू अपने आप है, राधा कृष्ण गिने ही ना है, तू अपने घर को सदस्य है। और वैसे बोले तो वो तो इतनो प्रेम करूं उन्हें तो छोड़ू भी ना हूं। और वो तो मेरे बेटा जैसा है, जब गिनने की बारी आवे तो कछु ना गिन हो जाए। तो मान रहे हो नहीं मान रहे हो, बोल रहे हो, यही तो हो वह सबके संग अधिकतरों के संग। गुरु मिले ना जब दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, सुधर जाओगे, गारंटी से सुधर जाओगे, कान पकड़ के सुधरवाएगा वो। तो वृंदावन महाराज जो तीर्थ राज के पापों का भी क्षय कर दे, जहां मुक्ति भी महाराज मारी मारी फिरे, मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए। जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाके पूछती है कि मुझे भी बता दे मैं कैसे मुक्त हूं, और ठाकुर जी भी बतावे वृंदावन को वास मिले तो महाराज मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो वृंदावन तुम्हारे लिए है। लड्डू गोपाल की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा तब तुम्हारे लिए है। मुक्ति भी चाहिए वो भी कर रहे हो, मत करो यार, का करो, खिचड़ी बनाए रखी है। अच्छा कैसे कैसे भक्त मिले, ये ठाकुर जी की कृपा हुए। यूं सब एक लाइन से ठाकुर जी बैठे हैं घर के अंदर। सावन को महीना आवे सब पीछे है जाए, शिव जी आगे आ जाए। सावन को महीना खत्म भयो, शिव जी पीछे आ गए। फिर जन्माष्टमी आवे तब
कन्हैया तू आगे आ जा। कन्हैया की खूब अच्छी गाजी, तू ही है तू ही है तू ही है महाराज, बहुत प्रेम करें। जन्माष्टमी खत्म, तुम भी पीछे, अब नवदुर्गा आ जाएगो। अब नवदुर्गा देवी तू ही तो है, मैं तो तेरा बालक हूं। जिसको जो दिन आ जाए महाराज भाई आगे बैठा है ले। खिचड़ी उपासना है। कल से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो हंसे वो सब जाने, वो फंसे भाई हैं उसमें। अरे एक मिल गया भैया, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आए थे हरि भजन को, नाम सिद्ध हो गया, गुरु का मिला हुआ, गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई, हरे नाम प्राप्त हुआ। हरे नाम प्राप्त होने के बाद महाराज वही तुम्हें जीवन के अंदर सब कुछ दिला देगा। शिव को हरि नाम करने की आवश्यकता नहीं, तो भी वह हरि नाम आज भी कर रहे हैं। भगवान के सर्वप्रथम वैष्णव हैं। नारद, देवर्षि नारद है, उनको भी महाराज भगवान का नाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी कर रहे हैं। कोई जरूरत है क्या उन्हें? भगवान के स्वयं के अवतार हैं बलराम। अनंत शेष के रूप में महाराज प्रति क्षण भगवान का नाम कर रहे हैं, शस्त्र नाम कर रोज करते हैं। हनुमान, जिनकी उपासना हम करते हैं, जिनको सीताराम स्वयं सिद्ध हैं, वे हनुमान भी महाराज आज भी बैठे बैठे राम राम सीताराम 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 कर रहे हैं। जो साधन होता है वही साध्य बन जाता है। जीवन भगत असली वही है। आचार्यों ने हमेशा कहा है कि भैया जीवन में दो चीजें सही रूप से आ जाएं, हरि कीर्तन और हरि कथा, दोनों आ जाएंगी, समझ ले जिस दिन तुझे ठाकुर जी मिलेंगे, मिलने के बाद भी ठाकुर छूट जाएगा, परंतु दो चीजें नहीं छूट सकती हैं, हरि नाम और हरि कथा। शिव दो वस्तुओं को कभी नहीं छोड़ते हैं, हरि कथा को और हरि नाम को। नारद दो वस्तुओं को कहीं नहीं छोड़ते हैं महाराज, हरि कथा को हरि नाम को। और ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान दो वस्तुओं को कभी नहीं छोड़ते हैं, हरि कथा को और हरि नाम को। सनत कुमार दो वस्तुओं को कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा करते रहते हैं महाराज, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और चारों भैया वही बालक बन के हर जगह डोलते रहते हैं हरि कथा करते हुए। अगर असली भक्त है भगवान का, दो से शुरुआत होगी और दो ही अंत के बाद भी चलती रहेंगी। हरि कथा और हरि नाम, ये दो जीवन का आधार बनता है। क्या करो? हरि नाम करो। क्या सुनो? हरि कथा सुनो। ये मत सुनो ये कौन सा संप्रदाय छोटा कौन सा बड़ा, ये क्या है, उसने ये वाला बेकार है, तो इस मार्ग को चल, वो नहीं नहीं, राधा कृष्ण की कथाओं को सुनो। जिनसे प्रीति बढ़ानी है वहां उनकी कथाओं को, उनकी चर्चाओं को सुनो, वह हरि कथा कहलाती है। दो चीजें हमेशा चलती रहती हैं। और वृंदावन का जो भक्त होगा, हमारे यहां तो इस बात की चर्चा भी है,
एक रानी वृंदावन के अंदर आई और महाराज पालकी में बैठ के चलती आ रही थी। सामने महसुबह सुबह सुबह की बात थी, मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। छोटी छोटी कुंज गलियां होती थी, तो वो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। तो द्वारपालों ने और उन सब ने कही, सैनिकों ने, हट जा यहां से, रानी आ रही है, रानी। तो मेहतरानी बोली, जे कौन सी रानी है, वृंदावन में तो बस चार रानियां हैं। बोले, वृंदावन में चार रानियां हैं? रानी भी उतर के आ गई, चार रानियां कौन सी हैं यहां पे? बोली, पहली राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी, तीसरी रज रानी और चौथी मेहतरानी। बोले, सब दासी हैं परंतु चार ही। कितने भक्त हैं जो महाराज झाड़ू लेके कुंजों के अंदर चले जाते हैं, आज भी जाते हैं कुंजों के अंदर। ठाकुर जी यहाँ पे राधा रानी के संग लीला करते हुए आएंगे, या वो रोज यहाँ आते हैं, कहीं उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाएं, कहीं उन्हें छोटे छोटे पत्थर ना लग जाएं। सोहनी सेवा करते हैं, हाँ, हर जगह झाड़ू लगाते हैं। कितनों को सिर्फ झाड़ू लगाते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है, सिर्फ झाड़ू, कुछ नहीं, सिर्फ झाड़ू, सोहनी सेवा। एक मुसलमान गुलाब सखी, बरसाना जाओ, गुलाब सखी का चबूतरा बड़ा प्रसिद्ध है, बरसाना में दर्शन करने की स्थली है। अपनी दाढ़ी से जब महाराज राधा रानी बरसाना की वो जो सीढ़ियां जाती थी ना, उसकी झाड़ू लगाता था। राधा रानी स्वयं ऊपर अपने महल से, निज महल से आके महाराज अपना प्रसादी देके जाती थी उसको। वहां भाव की सेवा है, पर भाव सही हो, वो रस सिद्धांत सही हो, किस भाव से तुम्हें कौन सा ठाकुर चाहिए। तो चौहते होई विरक्त बसे, बनराज जसीलो, पांचे भूले धे सुधी, छठे भावना रास की, सातों पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, पांचवा, फिफ्थ स्टेप, पांचे भूले देह सुधी, कि मैं जे हूं, मैं वो हूं, आप कौन हो, हम वहां के मैनेजर हैं, हम ये हैं वो, नहीं। अब आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, मैं ठाकुर जी का दास हूं। मैं श्यामा श्याम का दास हूं, मैं वृंदावन का भक्त हूं। जब इंट्रोडक्शन पूछा था हनुमान से भी, हनुमान, वानर तो बड़े चंचल होते हैं परंतु तुम तो ब्रह्मचारी हो, वानर तो अज्ञानी होता है परंतु तुम तो बड़े ज्ञानी नजर आते हो। रावण पूछता है, तुम हो कौन? कौशलेंद्रस्य दासो हम। बोले, मैं कौन हूं? मैं भगवान श्री राम का दास हूं। तो पांचे भूले देह सुधी, चक्कर क्या है, बड़ी टेम्परेरी है हमारा इंट्रोडक्शन। जहां नौकरी करते हैं उसी को बोल देते हैं, जी मैं वो हूं, तुम कौन हो? मैनेजर हूं। कुछ दिन के बाद महाराज तुम्हें, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, उसके बाद तुम कहोगे, नहीं अब तो मैं मैनेजर नहीं हूं, अब तो मैं ये दूसरा हूं। बड़ा टेम्परेरी है, जैसे जैसे नौकरियां बदलती जाएंगी तुम्हारा इंट्रोडक्शन बदलता जाएगा, तुम कौन हो? मेरा नाम ये है परंतु अब मैं ये हूं। तुम वो नहीं हो, पोस्ट है वो, तो तुम कौन हो?
इसी में ही तो, यहीं से तो महाराज गीता शुरू होती है। भगवान कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये आ जाए पर ये आएगा कब? पांचवें स्टेप पर, पांचवें पर। पहले भागवत सुनोगे, दूसरी भक्ति को समझ लोगे, तीसरी उसके बाद गुरु दीक्षा प्राप्त करोगे, चौथी विरक्त बनकर, मन से विरक्त बनकर, मन से विरक्त बनकर उस वृंदावन को अपने हृदय के अंदर धारण कर लोगे। पांचवा तब अपनी देह सुधि भूल कर, हाँ भूल जाओगे। छठे भावना रास की, जब देह सुधि भूल जाओगे तब छठवें में क्या करना है? तब बैठकर भगवान श्री राधा कृष्ण के रास का चिंतन एवं मनन करना है। छठे भावना रास की ये विधि वृंदावन लेके जाती है। कर का मन का मत कर, मन का कर। जो माला घूम रही है मन ही नहीं अभी नहीं, मन को तो ठाकुर जी की लीलाओं में लगा दो, सोचते रहो ठाकुर ने कौन सी लीला, कौन सी भागवत की कोई सी भी लीला जो प्रिय लगती हो, बस उसे धारण करके वहां बैठ जाओ। और वृंदावन जाना है तो रास की लीला को धारण कर लो। रास की लीला, अरे याद आई, बड़े दिनों से हम कल तो कह ही नहीं पाए, नहीं तो रोज एक एक लीला को तो कह ही दे रहे हैं। एक चर्चा चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण शंकर हैं और राधा रानी भवानी, और ठाकुर जी साड़ी पहन के पहुंचे और राधा रानी ने वाय पकड़ लियो, और पकड़ने के बाद क्या कही कि हमें मालूम है तुम अपनी माँ की साड़ी पहन के नहीं आए हो, तुम किसी और नायिका की साड़ी पहन के आए हो, राम राम राम, तुम उसके बाद भी मेरे सामने आ गए, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम मेरे सामने आ गए। सीधे अभी यहां से बाहर चले, जैसे ही कहा यहां से बाहर चले, इतनी देर में ठाकुर जी को इंसल्ट फील हो गई। महाराज राइक अनादर हेरी रसिकवर, अभिमाने कयेल पयान, नयनक लोरे पत लहे ना पारे, पीत पटे पोछे बयान, हरी हरी निज अपराध नहीं जान। महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने अपराध को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या अपराध करा है, नायिका के संग रात्रि को रहे हैं, उसी की साड़ी पहन के आ गए हैं, और राधा रानी से जब डांट सुनने को मिली, अरे भैया ऐसी डांट मिली है, राइक, राइक मतलब राधा रानी, अनादर हेरी इंसल्ट कर दी है। रसिकवर अभिमाने, अब अभिमान में थे ना वो, अरे राधा तो एक मिनट में मेरी शक्ल देखेंगी, बस एक मिनट में बोलेंगी वाह वाह, अरे वाह हमारे प्रियतम आ गए, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई, राधा रानी मान करके गुस्सा करके वहां पे बैठ चुकी हैं। अब अभिमान में राधा रानी ने जब कहा आप यहाँ से चलिए, तो जैसे ही चलने लगे, अरे भगवान आंखन में से मोटी मोटी धार बह रही है, आज तो इंसल्ट कर दी नहीं राधा ने, सब सखियन के सामने बड़ी भारी इंसल्ट है गई है। नयनक लोरे पथ लखे ना, बोले जा मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग दिख ही नहीं रहा, इतने मोटे मोटे आंसू आए गए हैं, कैसे चलूं कैसे, पित पटे पहुंचे बयान, महाराज बार बार अपने पीताम्बरी से ले लेके अपनी आंखों को पहुंच रहे हैं, पीताम्बरी घिली हो गई, परंतु ठाकुर जी की आंखन से अश्रु ना बंद भए, हरी हरी निज अपराध नहीं जान, बोले भाई क्योंकि हरी अपने अपराध को नहीं जान पा रहे हैं,
सोहन प्रेम गही कथि लागी, नहीं रसली किए कैल मुझे मान, मोही उपेखी राई कई से जी अभी से दुख अरी करी अनुमान। अच्छा, अब क्या गजब चीज है, रो खुद रहे हैं, इंसल्ट खुद को भई है, देखो परंतु प्रेम की वैचित्री कैसी है। ये ठाकुर राधा कृष्ण को प्रेम समझ ना सके कोई। दो चंदा दो चकोर दो मीन, दोनों ही चंदा हैं, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही मीन हैं। तुम्हारा डुप्लीकेट तुम्हारे सामने लाके खड़ो कर दियो जाए ना, लड़ाई है जाएगी, बर्तन बच जावेंगे। तुम्हारे जैसे ही गुस्सा करेगो, तुम्हारे जैसे ही वहां में अभिमान भरो भयो होएगो, तुम्हारी जैसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होवेंगी। सही बात है, तुम्हारो जैसे ही सामने खड़ो कर दियो जाए। हम विवाह किससे करें जो हमें सह सके, बासे नाए करें जो हमसे मैचिंग मिल जाए। जहां मैचिंग मिल जाए वहां पे लड़ाई होवे है। राधा कृष्ण कैसे हैं महाराज, पता ही नहीं है कौन राधा है और कौन कृष्ण है, दोनों ही एक हैं। और सामने वाला क्या, देखो क्या यह प्रेम का रंग है, सामने वाला तुम्हारे जैसा ही हो, साक्षात कोई एक अणु मात्र भी अंतर ना हो, तुम्हारा क्या बात करोगे उससे, क्या प्रेम करोगे उससे, जो तुम जानते हो वो वही जानता है। सही बात है ना, कितना प्रेम करोगे उससे जो तुम्हारे जैसा ही है, उससे प्रेम नहीं कर सकते हो। परंतु उसके बाद भी विलक्षण प्रेम है राधा कृष्ण के अंदर, राधा कृष्ण के लिए जीती हैं, कृष्ण राधा के लिए जीते हैं। इस प्रेम को समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक हैं। परंतु लीलाओं के लिए महाराज हम सब भक्तों के लिए अलग अलग लीला करते हुए हमें प्रेम आस्वादन कराते रहते हैं। आज ठाकुर जी गोविंद दास को कह रहे हैं, हाँ यह लीला दिखा रहे हैं कि राधा रानी ने इतनी इंसल्ट करी कि अभिमान में वहां से छोड़ के तो चले गए महाराज। बड़े बड़े टसुआ बह बह के गिरे जा रहे हैं, उनको पूरा आंचल भीग गयो, और भीगने के बाद भी ठाकुर रास्ता भी ना दिख रहे हो, और कास कर रहे हैं, हरी हरी निज अपराध नहीं जान, अपना अपराध नहीं समझ पाए। जो अभिमानी होता है वो अपना अपराध कभी ना समझे। अब सोहन प्रेम गही कथि लागी, निर नी रसली किए कैली मुझे मान, मोही उपेखी राई कैसे जी अभी से दुख करी अनुमान। बोले महाराज राधा रानी के बारे में यूं सोच रहे हैं, आज बहुत गलत कराया राधा ने, मेरी इंसल्ट कर दी, अब मैं वहां से घर चला तो गया हूं, अब उसे विरहाग्नि जलाएगी, अब वो विरहाग्नि जब उसे जलाएगी तो वो कैसे रह पाएगी। आज उसने गलती कर दी ये गुस्सा दिखा के, पहले क्रोधाग्नि उसे जलाएगी, उसके बाद विरहाग्नि उसे जलाएगी, परंतु मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा, गलती उसकी है।